स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश विस्तार बुक से चैप्टर 1 द थर्ड लेवल, जिसके राइटर जैक फिने हैं, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। फ्रेंड, इस चैप्टर में 3 करेक्टर्स हैं। फर्स्ट है चार्ली, जो मेन करेक्टर है, नरेटर है इस चैप्टर इस स्टोरी का। सेकेंड उसकी वाइफ है लुइजा, और थर्ड उसका फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो कि एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, और उनका नेम है सैम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपने कोई ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है जो कि दूसरों को विश्वास करना मुश्किल हो? द प्रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। तो यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो प्रेजिडेंट्स दिया हुआ है, ये न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी और न्यू हेवन में और हार्टफोर्ड रेल रोड पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि वो लोग सभी लोग स्टैक, यानी कि जो भी उनका टाइम टेबल है, शेड्यूल है ट्रेन के आने जाने का, उस बंडल पे हाथ रख के कसम खा के कह सकते हैं कि वहाँ केवल दो ही हैं। अब ये क्या दो ही हैं, आगे पढ़ते हैं। बट आई से देयर आर थ्री। आई कौन है यहाँ पे स्टूडेंट, या नरेटर आई, ये जो चार्ली है इस चैप्टर का, वो नरेटर है, वो कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे थ्री हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही थी स्टूडेंट, कि सभी लोग तो कसम खा के कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल टू ही फ्लोर है, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ पे क्यों थ्री है, क्योंकि वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस किया, यानी कि मैं वहाँ पे गया हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आगे फिर चार्ली कहते हैं कि हाँ, मैंने इसको करने के लिए एक अजीब सा स्टेप भी लिया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिक फ्रेंड टू माइन अमंग अदर्स। तो क्योंकि मैंने इस मामले में बात करने के लिए अपने एक साइकेट्रिक फ्रेंड, जो कि मेरे मेंटल प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं, उनका फ्रेंड है चार्ली का, कह रहे कि मैंने उससे बात भी की है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में भी मैंने उसे बताया है। एंड ही सेट इट वॉज वेकिंग ड्रीम विच फुलफिल्ड। और उनने मुझे कहा है कि ये एक ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना है जो दिन के समय तुम देख रहे हो, अर्थात ये तो कभी फुलफिलमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे तो केवल दो ही फ्लोर हैं। ही सेट आई वॉज अनहैप्पी। उनने कहा कि ये सब तुम्हारे ना खुश रहने की वजह से है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो इन सब बातों से जो उनकी पत्नी है, वाइफ है लुइसा, वो परेशान हो जाती है। फिर वे जो डॉक्टर उनके फ्रेंड सैम हैं, उनको समझाते हैं कि ये सब इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये जो लाइफ में होते रहते हैं, इन सभी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तुमने इन सब से बचने के लिए रास्ता निकाला है कि तुम एक थर्ड लेवल पे गए हो। वेल, हु डज नॉट एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट। कि हर कोई अपनी प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं प्रॉब्लम से बच निकलने के लिए कि मैंने ये स्टेप उठाया है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती हैं। बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो केवल प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्या सारे लोग तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं चले गए ना, कि जैसे मैं चला गया। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन ये कारण है। ही सेड ही, यानी कि जो उनके फ्रेंड के लिए आया, सैम के लिए, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। सभी लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ, मेरे को जीवन में समस्याएं हैं, मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इन सबसे बचने के लिए मैंने थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस किया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल आर टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टूडेंट, अब यहाँ पे इनकी हॉबी के बारे में बताया गया है। जो चार्ली थे, वो खाली समय में क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। तो कहा गया है कि जैसे तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो रिफ्यूज़ पाने के लिए, रिफ्यूज़ मतलब थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ की शरण ले लेना, कहीं मन बहला लेना के लिए कहा गया है कि टेम्परेरी रिफ्यूज़ पाने के लिए, जैसे तुम समय में अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। तो कहा गया है कि जिस
प्रकार तुम किसी चीज़ से बचने के लिए स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, उसी प्रकार ही तुमने ये थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस किया। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। हाँ सही है, लेकिन मेरे दादाजी भी तो किसी रियलिटी से, वास्तविकता से दूर नहीं भागना चाहते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल वो थे, लेकिन मेरे दादाजी तो, वो चार्ली कह रहे हैं कि मेरे दादाजी तो बहुत शांतपूर्ण जीवन बिताते थे, वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, तो वो तो अपनी लाइफ से दूर नहीं भागना चाहते थे ना। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्हीं की वजह से ही मैंने अपना ये स्टैम्प कलेक्शन भी स्टार्ट किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, इसमें वो भी हैं जो US इशूज करी हैं, जिन्होंने US ने जो भी इशू स्टैम्प्स किए हैं, स्टैम्प के इशू किए हैं, वो भी हैं इसमें, इस कलेक्शन में, और फर्स्ट डे कवर भी हैं। फर्स्ट डे कवर स्टूडेंट वो होता है जिस दिन स्टैम्प इशू किया जाता है ना पोस्ट ऑफिस से, तो उसके बाद ये जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ये अपने एक एनवलॉप में वही स्टैम्प लेके, और खाली एनवलॉप में उसमें कुछ नहीं लगता, और अपने एड्रेस पे ही पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास फर्स्ट डे कवर आ जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे बहुत से मेरे पास फर्स्ट डे कवर भी हैं, और जो US ने इशू किए हैं वो भी मेरे पास स्टैम्प कलेक्शन है। प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, ये जो प्रेसिडेंट हैं रूज़वेल्ट, जो वहाँ के रह चुके हैं प्रेसिडेंट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। एनी अवे हेयर्स व्हाट हैपन ऑफ ग्रांट सेंट्रल, लेकिन किसी ने भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि ग्रांट सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है। वन नाइट लास्ट समर, अब वो आगे बता रहे हैं कि एक दिन गर्मियों की रात को आई वर्क लेट एट द ऑफिस, बहुत देर तक मैंने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन माई अपार्टमेंट, तो मैं बहुत जल्दी में था और अपने अपार्टमेंट पहुँचना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांट सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, इसीलिए उन्हें सबवे का यूज़ किया। सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड रेलवे, जैसे तो दिल्ली में भी है और बड़ी सिटीज़ में भी है। तो कह रहे हैं इसलिए मैं बस की अपेक्षा मैंने सबवे का यूज किया, जिससे कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच पाऊँ। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, लेकिन मैं ही एक चार्ली नाम का मैं ही ऐसा पर्सन हूँ, 31 years old, जो कि 31 years का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गबर्डन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए चार्ली कहते हैं कि मैंने उस दिन क्या पहना हुआ था, टैन गबर्डियन सूट पहना, यानी कि सिंपल कॉटन लाइट ब्राउन कलर का मैंने सूट पहना हुआ था, और एक हैट पहनी हुई थी जो स्ट्रॉ की बनी हुई थी, और उस पर एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। आई पास ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मेरे आसपास बहुत से डजन मैन घूम रहे थे जो कि मेरी तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं तो केवल सिर्फ घर जल्दी पहुंचना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी वाइफ लुइजा से मिलना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेडर बिल्ट एवेन्यू। वेडर बिल्ट एवेन्यू स्टूडेंट, ये गेट का नाम है, गेट 1, 2, 3 होते हैं ना स्टेशन से निकलने के लिए। तो कह रहे हैं कि मैं ग्रांड सेंट्रल के वेडर बिल्ट एवेन्यू से निकला एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के फर्स्ट लेवल पर आ गया। स्टूडेंट ये अंडरग्राउंड रेलवे की बात हो रही है, इसीलिए सबसे पहले वो क्या करता था, ग्राउंड लेवल पे था, अब वो बता रहा है कि मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के फर्स्ट लेवल पे आ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, ये 20th century ट्रेन का नाम है स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि यहाँ से 20th century ट्रेन जहाँ से मिलती थी वहाँ मैं आ गया फर्स्ट लेवल पर। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरा और सेकेंड लेवल पे आ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन, ये भी ट्रेन का नाम है, सबर्बन ट्रेन निकलती थी। डग्ड इन टू एन आर्क्ड डोर वे हेडिंग फॉर द सबवे, अब स्टूडेंट वो बता रहा है कि वहाँ पे एक आर्क था, यानी कि गोल सा बना हुआ दरवाज़ा था, और डग्ड मतलब जल्दी से तेज़ी से मैंने अपना सिर नीचे किया और वहाँ के उसके नीचे से मैं निकल गया। एंड गॉट लॉस्ट, और आगे जाके मैं खो गया। अब फिर वो कह रहा है कि मैं जल्दी से वहाँ से, एक गेट था, आर्क था, वहाँ से निकला और आगे जाके मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, फिर चार्ली कह रहा है कि दैट्स ईजी टू डू, यानी कि ये करना बहुत ही आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम
ग्रांड सेंट्रल में गया हूँ, आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। कह रहे हैं और वहाँ जब भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे मैंने नए डोरवेज देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दरवाजे देखे हैं, सीढ़ियाँ देखी हैं। कॉरिडोर किसे कहते हैं? एक लंबा रास्ता जो दोनों तरफ से बंद होता है, ऊपर छत होती है, बरामदा जैसा होता है। तो कह रहे हैं ऐसे मैंने बहुत से कॉरिडोर्स भी देखे हैं। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। अब वो कह रहे हैं कि फिर एक टनल से मैं निकला और आगे जाके मैं रूजवेल्ट होटल की एक लॉबी में पहुंच गया। तो ये सब स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है, केवल इमेजिन कर रहा है, डे ड्रीम देख रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि स्टेशन से निकल के वो किसी होटल में पहुंच जाए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट देयर ब्लॉक्स अवे। और उसके बाद कह रहा है कि मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचा जहाँ पे 46th स्ट्रीट थी और 3 ब्लॉक्स दूर था मैं उससे। तो स्टूडेंट ये सब केवल वो इमेजिन ही कर रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपसे मिलेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।